जब आपके पास टाइम हो कम और बनाना हो कुछ फटाफट, तो बनाएं ये मज़ेदार आलू पोहा कटलेट। ये बाहर से बहुत ही क्रंची होते हैं और अंदर से एकदम सॉफ्ट बनते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्वाति इज डिलाइट। आज हम बनाएंगे आलू पोहा कटलेट, जो ब्रेकफास्ट या इवनिंग स्नैक्स के लिए परफेक्ट है और ये बच्चों को भी बहुत पसंद आते हैं। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आलू पोहा कटलेट बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे पोहा, उसको एक बाउल में डाल लेंगे। यहाँ पर मैंने 1.5 कप पोहे का यूज़ किया है। अब इसमें डाल देंगे खूब सारा पानी और पोहे को अच्छे से वॉश करेंगे। अब पोहा अच्छे से वॉश हो गया है, अब हम इसको स्ट्रेन कर लेंगे। स्ट्रेनर की हेल्प से पोहे को छान लेंगे। पोहा अच्छे से छन गया है, अब हम इसको एक दूसरे बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे और पोहे को 10 मिनट तक ढक देंगे ताकि पोहा हमारा सॉफ्ट हो जाए। अब 10 मिनट हो गया, अब हम चेक कर लेते हैं। पोहा एकदम सॉफ्ट हो गया है, नरम हो गया है और जितना भी पानी था सारा पानी पोहे ने एब्जॉर्ब कर लिया है। हमें ये ध्यान रखना है कि पोहे में बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। अब हम पोहे को अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। जैसे हम डो बनाते हैं, इसको हमें बिल्कुल वैसे उसी तरह इसको मैश करना है। पोहा अच्छे से मैश हो गया, अब हम इसमें मिलाएंगे आलू। यहाँ पर मैंने 2 बड़े आलू लिए हैं उबले हुए, अब इनको अच्छे से ग्रेट कर लेंगे। अब हम आलू और पोहे को अच्छी तरह से मिक्स करके इसको एक डो की तरह बना लेंगे। आप देखिए इसका कितना अच्छा एक स्मूथ डो बन गया है। अब इसमें हम मिलाएंगे कुछ सब्जियां। यहाँ पे मैंने लिया है प्याज, शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, खूब सारा धनिया, थोड़े से उबले हुए मटर और हरी मिर्ची। और अब इस सबको हम मिक्सचर में मिक्स कर देंगे और सबको अच्छे से मिक्सचर में मिला देंगे। और अब हम इसमें डालेंगे बेसन। यहाँ पे मैंने 2 टीस्पून बेसन लिया है, उसको मिला देंगे। और यहाँ पे लिया है मैंने मूंगफली। मूंगफली को मैंने रोस्ट करके उसको दरदरा कूट लिया था और वो डालेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार, थोड़े से चिली फ्लेक्स। अगर आपके पास चिली फ्लेक्स नहीं है तो आप लाल मिर्च का भी यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा चाट मसाला 1 चम्मच, 1 चम्मच, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला और 1 चम्मच जीरा। और साथ ही डालेंगे भुना हुआ जीरा पाउडर। और अब डालेंगे नींबू। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच नींबू डाला है और उसको सबको अच्छे से मैश कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे। अब पोहे और आलू का मिक्सचर बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हम इसके कटलेट बना लेते हैं। यहाँ पर हम हाथों को ग्रीस कर लेंगे, ऐसा करने से जो मिक्सचर है वो हाथों पे चिपकेगा नहीं। और अब हम इसको हाथों से ऐसे गोल गोल टिक्की की तरह बना लेंगे पहले, और फिर उसको हाथों से चपटा करके और उसकी साइड्स को एक अच्छा सा शेप दे देंगे। आप चाहे तो हाथ पे ऐसे कर सकते हैं, नहीं तो किसी प्लेट या चॉपिंग बोर्ड के सरफेस पे ऐसे गोल गोल घुमाकर भी उसको एक अच्छा शेप दे सकते हैं, टिक्की की तरह। आप किसी भी शेप के कटलेट बना सकते हैं, यहाँ पर मैं राउंड शेप के बना रही हूँ। तो यहाँ पर हमारे कटलेट बनके बिल्कुल तैयार हो गए। अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं। कटलेट्स फ्राई करने के लिए हम एक पैन में तेल को अच्छे से गरम कर लेंगे और कटलेट्स को उस पर डाल देंगे। कटलेट्स को हम मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे। अगर हम तेज फ्लेम पे करेंगे तो कटलेट्स का कलर तुरंत चेंज हो जाएगा, तुरंत गोल्डन हो जाएंगे, बट ना तो वो क्रिस्पी बनेंगे और अंदर से भी कच्चे रह जाएंगे। तो इसलिए कटलेट्स को हम मीडियम फ्लेम पे या फिर मीडियम हाई फ्लेम पर पलट पलट कर तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि वो गोल्डन ब्राउन और अच्छे से क्रिस्पी ना हो जाएं। तो यहाँ पर मैंने गैस का फ्लेम मीडियम रखा है और इसको बहुत ही सावधानी से पलटे, नहीं तो ये टूट भी सकते हैं। तो थोड़ी देर में आप देख सकते हैं कि इनका कलर चेंज हो गया है। हम इनको थोड़ा सा और फ्राई कर लेते हैं ताकि ज़्यादा क्रंची हो। तो आप यहाँ देख सकते हैं कटलेट्स पर एकदम परफेक्ट कलर आ गया है और कटलेट्स अच्छे से फ्राई हो गया। अब हम इनको किसी प्लेट पर निकाल लेते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं एकदम परफेक्ट कटलेट बनके बिल्कुल तैयार है। ये बहुत ही क्रिस्पी बने हैं और ये बच्चों को भी बहुत पसंद आते हैं। चलिए अब इसकी फटाफट प्लेटिंग कर लेते हैं। तो लीजिए, यहाँ बहुत ही आसानी से और फटाफट बनने वाले पोहा कटलेट तैयार है। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें आगे की वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए। और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। थैंक यू, बाय बाय।